हो गया, इसका बड़ा हमें अफसोस हुआ, बस क्या कर सकते हैं, लेकिन अब इसको देखते हैं बंद कर। दोस्तों ये वाला चूज़ा आज थोड़ा सा हल्का हल्का ढीला हुआ हुआ, अच्छा खासा ढीला हुआ हुआ, इसके पास सही तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो अभी मैंने इसको दवाई वगैरह दी है तो इसको मैं अलग से केज में अलग बंद करता हूँ, ताकि अगर ये बीमार रहता दूसरे चूज़ों को कोई मसलम सैल ना हो, जो यानी कि हमारे पास दूसरे वाले हैं। और दोस्तों दूसरा शक मुझे ये हो रहा है कि जैसे मैंने ये चूज़ा लिया है ना, जो वो तो है मिस्री वगैरह, ये बिल्कुल वाइट है, तो वाइट से महसूस हो रहा है कि शायद ये ना कोई दूसरे वाला चूज़ा है जो फार्मी वगैरह होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसकी तबीयत वगैरह सही नहीं है। बकिया चूज़ों को हमने बाहर निकाल दिया है ताकि थोड़ा सा चल फिर लें, धूप वगैरह में इधर उधर जाएंगे ना, इनकी तबीयत वगैरह सेट रहेगी, क्योंकि अंदर तो सारे यानी कि सारे दिन यहाँ पे दिन रात यानी कि छांव रहती है ना, बस थोड़ी सी मखसूस सी जगह है इनके पास, 5x5 का या 5x6x7 का केज है, तो जब ये बाहर खुले मैदान के अंदर यहाँ पे चलेंगे फिरेंगे तो इनकी तबीयत वगैरह सही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चूज़े वगैरह दोस्तों हमारा माशाल्लाह यानी कि सारे बाकी तो सारे चूज़े फिट हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसमें से हमारे सिर्फ दो चूज़े ढीले हैं हल्के हल्के, तो मैंने उनको अलग से बाहर निकाल दिए। ये देखें, एक ये इस साइड पर ठहरा हुआ है और एक ये इस साइड पर, इसको हल्की हल्की सांस वाली बीमारी सी लगी हुई थी, देखें गर्दन ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसको 10-15-20 मिनट यहाँ पे अलग से बंद की है ताकि इसको ना दवाई वगैरह अपना असर वगैरह दिखा दे। बकिए को मैंने दोस्तों यहाँ पे बाहर खोल दिया, धूप वगैरह में इधर से ये दाना वगैरह अपना उठाएंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ ये नहीं कि सेट हो जाएंगे। ये इसके अंदर हमारे पास जो से ये दो असील वाले हैं ना दोस्तों, ये अभी से लड़ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये बड़े वाला, अब आपस में अभी से लड़ते हैं, इनका अभी हालांकि डेढ़ डेढ़ दो दो महीने के बच्चे हैं या महीना सवा महीने के बच्चे हैं, इनका अभी से ये हाल है, तो ये बड़े हो के क्या करेंगे, ये तो बड़े जालिम बन जाएंगे। बाहर निकलने के बाद भी यानी कि ना एक ही जगह यहाँ पे घूम रहे हैं, ये इनको मैं धूप में लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि घर से मैं सब्ज़ी वगैरह का जो चूरा वगैरह लेके आया हूँ ना, तो ये ताकि वहाँ पे आसानी से यानी कि चूरा वो सब्ज़ी वगैरह का कचरा मचरा वो खा लें, ताकि इनका कोई फ्लेवर वगैरह तब्दील होगा गिज़ा का, तो कुछ यानी कि इनके ना यानी कि पोटे वगैरह सही रहेंगे, वरना ये तो सुबह शाम यहाँ पर हमारे पास तो बाजरा खा रहे हैं ना दोस्तों। अभी एक बुज़ुर्ग आए हुए तो वो कह रहे हैं यहाँ पे ना ये छोटी सी जगह में ये दिन रात एक ही जगह में कैद हो के ना, दिन में भी यहीं पे रात में भी यहीं पे, तो इसीलिए यहाँ पे इनके लिए थोड़ा बहुत मसला बनता है। आप इनको घंटा सुबह और घंटा शाम के टाइम इनको खोला करो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, तो फर्स्ट टाइम अभी मैंने इनको खोल दिया, ये बाहर चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अंदर की नस्बत तो बाहर का टम्परेचर भी सही है, निज़ाम भी सही है, धूप वगैरह में फिर रहे हैं, साइड पे सब्ज़ी वगैरह का कचरा डाला है वो भी खा रहे हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे ये इंशाल्लाह सही रहेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो पे न्यू है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मुश्किल के साथ वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है। दोस्तों गैनोफाल ने सिर्फ एक काम पकड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है कि ये शोर मचाएं, ठीक है, गैनोफाल का सिर्फ और सिर्फ काम है कि ये शोर मचाएं, दूसरे ना ये अंडे दे रहे हैं ना कोई बच्चे दे रहे हैं, बस इन खा रहे हैं पी रहे हैं, ये नहीं है कि यार यहाँ पे 5-6 महीने से मेहरबानी करके कोई अंडा वगैरह दें, इनका ऐसा कोई सीन वगैरह नहीं है, बस ये है कि ना हल्का सा कहीं से कोई आवाज़ आती है तो चाँ 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 शुरू कर देते हैं, इसके अलावा इनका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, और ना ही हमें इसमें कोई इतना ख़ास पता लगता है कि इसमें कौन सा नर है और कौन सा मादा है। तो जिससे मैंने एक ये तब्दील कराई है उसने ये बात की है कि जो सर के ऊपर इनके ताज वगैरह है ना, जिसका ताज सर वाला छोटा है वो मादा है, जिसका ताज थोड़ा बड़ा है वो नर है। अब जैसे इसके अंदर सफ़ेद सीने वाले हैं जो हमारे पास, उसका ताज सर का छोटा है तो वो मादा बता रहे हैं वो साइड पे जो दरमियान में ठहरी हुई है अगली साइड पे, और जो ये वाला है इसका भी यानी कि ताज सर का छोटा ये भी मादा है। ये देखें अभी इस बच्चे को मारे हैं, अपने आप को ये देखें और बच्चे को देखें कैसे यानी कि इन्होंने जुल्म किया हुआ है। तो शायद ये अभी पट्टे हैं या कोई यानी कि शायद में भी 2-4 महीने तक 5 महीने कैसे शोर शुरू कर दिए, 4-5 महीने तक शायद ये कोई बच्चे वगैरह देने वाले बन जाए, अभी तो इनका फ़िलहाल कोई पता नहीं है कब अंडे देंगे कब बच्चे देंगे, लेकिन इनका ये है कि जिस टाइम भी ये बोलती है ना कोई कौवा परिंदा वगैरह कोई ऐसा होता है तो यानी कि बोलना शुरू कर देते, ऐसा नहीं है बोलते। दोस्तों एक यहाँ पे फाख्ता हिली हुई है, ये माशाल्लाह डेली हमारे पास बहाने में आती है, ये है तो जंगले वाली
जंगली वाली, तो ये यहाँ पे आके थोड़ा खाना पीना करती है, खाती पीती है, दाना वगैरह हमने डाला होता है, और कुछ देर ये यहाँ पे आके इनके साथ बैठती है, यहाँ पे बैठी रहती है। तो है ये जंगली वाली, जंगली वाले कहाँ गई है, कहाँ गई था, कहाँ बैठी ऊपर, हाँ वो, हाँ यहाँ से उड़ के वो बैठ गई है जाके वहाँ पे मकान की छत के ऊपर। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास तो कोई ऐसा ट्रैक वाला सिस्टम नहीं है ताकि इसको हम पकड़ सकें, लेकिन ये है कि इसको इंशाल्लाह हम अन करीब पकड़ेंगे, क्योंकि ये आती डेली है यहाँ पे, खाना वगैरह खाती है, बाजरा वगैरह यहाँ पे जैसे पड़ा होता है खाती है फिर चली जाती है। सिल्की हंस माशाल्लाह हमारे फिर रही हैं इधर उधर, ये आज मैं घास वगैरह इनके लिए लेके नहीं आ सका वहाँ से अपने खेत वगैरह से, तो मैंने यहीं से बाज़ार से मंगवाया बच्चे के हाथ, तो यहाँ से एक तो हमें कटा हुआ घास मिला है, कटा हुआ घास भी पता नहीं शौक से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, बल्कि खा रहे हैं, रैबिट्स को मैंने डाल दिया था ये खा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये चुचू मुचू गैंग है ना, इनमें से एक चूजा सुबह बीमार हुआ था, मैंने उसको दवाई वगैरह भी दी थी, ये देखें ये फिर रहे हैं, इनमें से उसको दवाई वगैरह भी दी थी तो वो मेरे ख्याल में बचा नहीं, एक्सपायर हो गया, और उसके साथ का जो सा दूसरा चूजा था वो सामने वो ठहरा हुआ है वहाँ पे, ये वाला जो भाग के आया ये माशाल्लाह ये भी हल्का हल्का बीमार था, तो इसको मैंने वो पेनाडोल वगैरह का सिरप वगैरह इसको दिया, दो चार कतरे दिए, वो माशाल्लाह फिट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो एक चूजा था हमारा वो बेचारा एक्सपायर हो गया। ये देखें जी मैं आपको दिखाऊँ, ये एक्सपायर हो गया, इसका बड़ा हमें अफसोस हुआ, बस क्या कर सकते हैं, लेकिन अब इसको देखते हैं बंद कर। ये यहाँ पे मैंने भाई को कहा है, मैंने कल कर दिया यार खड्डा खट्टों में इतना ही ना को इसको दबा दें ताकि ये ना बस करो, ये दोस्तों इसको यहाँ पे दबा रहे हैं ठीक है, ताकि इसको कोई बिल्ली वगैरह इसको ना खा सके। ये देखें जी लेकिन क्या करें, हमने इसकी कोशिश तो की है काफ़ी इसको बचाने की कि बच जाए कोई मसलम सैल ना हो, लेकिन इसके नसीब में नहीं था बचना, तो ये बेचारा चला गया हमें छोड़ के। तो ये देखें जी हमने इसको यहाँ पे दबा दी, दूसरे माशाल्लाह हमारे पास जो चूज़ हैं वो सही है, और इस साइड पे देखें जी ये सारा दिन यानी कि ना सारा दिन ऐसे यानी कि पर फिला के फिरता रहता है, बस इनको गर्मी में थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगती है, वरना और इनको कोई मसला मसाइल नहीं है। घास वगैरह भी देखे कैसे शौक से खा रही हैं, गर्मी के अंदर इनको गर्मी वगैरह लगती है, तो मैं इनको ना दिन के अंदर ही वहाँ पर अंदर जो बरामदे के अंदर साइड पर जो रूम वगैरह वहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि इसको कोई गर्मी वगैरह ना लगे। ये दोस्तों दो तीन दिन हो गए हमने यहाँ आके इसका पानी वगैरह सब दिल नहीं किया, काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है पानी यहाँ पे, कुएं वगैरह भी पहले इसमें नहा लेती थी साफ़ पानी में, लेकिन ये भी आज कल नहीं नहा रही इसमें, सिर्फ और सिर्फ मसला यही है कि पानी थोड़ा सा ख़राब हुआ होगा, कल इंशाल्लाह हम इसका पानी वगैरह तब्दील करते हैं, देखें सब सब्ज़ हुआ पड़ा है तो पानी को तब्दील करते हैं, तो कल इसको फ्रेश पानी हम भर देंगे ताकि इसके अंदर खुशी खुशी ये दोबारा परिंदे वगैरह नहा सकें। और इस साइड पर जो हमारी ये ब्लैक बेरी है ना, ब्लैक बेरी ने माशाल्लाह हमें कल फिर इसने अंडा दिया, आज अंडा का इसने यानी कि नहीं दिया, ये शायद आज सुबह सुबह दिया होगा, तो आज भी नहीं देगी कल भी नहीं देगी, परसों यानी कि दोबारा दो दिन के बाद ये अंडा दे रही हैं, तो इंशाल्लाह परसों को दोबारा हमारे पास अंडा हो जाएगा। इसके चार अंडे हमारे पास आ गए, और जो हमारे वाला वो है ना टर्की बर्ड है, टर्की बर्ड के भी दो अंडे हमारे पास हो चुके हैं, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि 14-15 अंडे देगी है, 14-15 अंडे देने के बाद ये फिर दोबारा जब कुड़क होगी तो अपने अंडों पे बैठ जाएगी, फिर इसके भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चे वगैरह आ जाएंगे। इस साइड में मिस्त्री भाई हमारा आया नहीं है, मिस्त्री हमें जो भी मिलता है बहुत स्लो मिलता है, इसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, वो भी नहीं आ रहा अभी रोज़े की वजह से, रमज़ान शरीफ की वजह से। तो ये देखें जी कल इस आज मिस्त्री साहब ने हमें कॉल की, इसकी छत का सामान हमें ला के दो ताकि हम इसकी कल वगैरह छत डालते हैं, तो मैंने कहा यार छत वगैरह का सामान आप जब खुद आओगे तो ले लेंगे, यहीं से बाज़ार से ले लेंगे, तो कल वो अगर आया तो उसकी छत का सामान हम ले के कल इनको यानी कि मुकम्मल इनकी छत वगैरह डाल देंगे, फिर दोबारा मिस्त्री को प्लस्तर वगैरह करा के दोबारा मिस्त्री को बुला के इनका ना ये जो है सिस्टम में यहाँ वाला यानी कि जालियाँ वगैरह वो भी इंशाल्लाह हम लगवा लेंगे, कल इंशाल्लाह हम इसका काम भी मुकम्मल करा लेंगे। और दूसरा जो हमारा टर्की बर्ड है वो सामने उठाए रहे, देखें जी इसने दूसरा अंडा आज हमें दे दिया, इस टर्की बर्ड ने हमें दूसरा अंडा दे दिया, तो ये पता नहीं कितने कहते हैं 20 अंडे देती है, ये भी शायद अगर 20 अंडे देगी तो कुड़क हो कुड़क पर बैठ जाएगी,
लेकिन इसके नीचे ये है कि हम जितने भी हमारे पास अंडे बच्चे वगैरह पड़े होंगे, अंडे पड़े होंगे सारे हम इसके नीचे साइड पर रख देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिंदा है, तो जब उड़ होगा तो ये अपने बच्चे वगैरह सारे यानी कि खुद ब खुद पाल लेंगे। ये देखें जी बाप इसका कितना बड़ा है और माँ भी माशाल्लाह अच्छी खासी है, 30 अंडे अपने नीचे ले गया, आराम से बैठ जाएगी है। ये देखें जी माशाल्लाह बेंटम हमारी भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई, साइज़ इनका आजकल इन थोड़ा इंक्रीज़ हो रहे हैं, साइज़ में बड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो सा ये वाला है ना ब्लैक वाला, ब्लैक वाला मुझे लग रहा है ये छोटे बेंटम में से है, ठीक है। और ये जो से ये हैवी बफ बेंटम है, ये भी हैवी बफ महसूस हो रहा है, इसका भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैवी बफ है या सादा यानी कि बेंटम बने, लेकिन इसका हमें शक फुल हुआ पड़ा है, ये सादा छोटे वाला बेंटम है ये वाला, और इसके साथ का टर्की बर्ड वाला बच्चा भी माशाल्लाह आजकल तो इसके साथ का हमारे पास बड़े वाला वो भी आ गया, टर्की बर्ड्स आ गया, तो इसका आजकल दिल वगैरह यहाँ पर लग रहा है, तो दिल तो नहीं लग रहा उसके पास तो ये नहीं जाता, लेकिन ये है कि साइज़ के अंदर माशाल्लाह बड़ा खासा अच्छा खासा हुआ पड़ा है, लेकिन जब हम इसको लेके आए थे तो महसूस हमें ये होता था शायद ये ना बचे ना बचे ना बचे, लेकिन अल्लाह पाक ने इसकी ज़िंदगी रखी हुई थी तो ये माशाल्लाह बड़ा यानी कि ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, आजकल चलने फिरने में भी सही है, ठीक है। तो वरना ये एक्सपायर हो जाता जो इसकी जब मैं लेके आया था इसकी हालत हमें जो बता रही थी। बर्ड्स वगैरह दोस्तों सारे आपको दिखा दिए हैं, आज की वीडियो का हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में कल नए सुबह, तो हमें दीजिए इजाज़त। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि बामुश्किल हम आपके लिए यानी कि वीडियो वगैरह बनाते हैं, आसान तो नहीं है टाइम निकालना और परिंदों की देखभाल वगैरह, ये तो चलो हमें शौक़ है तो, लेकिन इनके लिए टाइम निकालना वीडियो एडिटिंग वगैरह ये वो सौ मसले मसाइल, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तहा बंद करें हैं, कह दे चैनल को सब्सक्राइब करें, खड़ो क्या क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ चलो भाई अब तो ताहा ने भी बोल दिया, अब तो आपका हक बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें। ये देखिए।